गरीब दो टाइम की रोटी पेट भर के नहीं खा सकता है। कभी सालन होता है तो रोटी नहीं मिलती, गोश्त के लिए जाते हैं तो मसाले नहीं मिलते। ये गरीब दर बदर मर रहा है और अपनी नौकरियों के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आटे की लेन में लगे हुए हैं, चीनी की लेन में लगे हुए हैं, डाले की लेन में लगे हुए हैं। आवाम को मेरी तरफ से गुजारिश है कि आपने हक के लिए रोडों में निकले, और रोडों में नहीं आएंगे तो ये नहीं होंगे, ये दबा कुर्सी जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारक। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई बहुत ज्यादा है और कौन जिम्मेदार है इसका? इसकी जी हुकूमत जिम्मेदार है, और इस चीज के गरीबों के लिए मुर्गी का गोश्त कहाँ चला गया, गरीब आवाम की पहुँच से काफी दूर हो चुका है, और रोटी की रेट 25 रुपए गई, कहाँ तक पहुँच गई, वो गरीब आदमी कहाँ खाएंगे। आटा गरीब दो टाइम की रोटी बच्चों को लिए नहीं दे सकते हैं, उनको उनकी पहुंच से रोटी भी दूर हो चुकी है। तो इसलिए लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है, ये इदारों की भी गुजारिश है, जो माफिया चोर हैं या जिन्होंने गोदामों में आटे रखे हुए हैं वो निकालें बाहर, और इसलिए कि इतना जुल्म हो रहा है, गरीब मर रहा है, दर बदर मर रहा है। अगर सिर्फ आटे की बात करें तो 2700 से 3200 रुपये चला गया है, और दो हफ्तों में जो चिकन का रेट है वो 150 से 200 रुपये पर केजी उसमें इजाफा हुआ है। ज़्यादा महंगी हो चुकी मुर्गी, और ठीक है, और 300 रुपये से 425 को चला गई मुर्गी, और गोश्त 700 रुपये किलो को चला गया, वो कहाँ खाएगा गरीब लोग, वो किधर जाएंगे वो गरीब। दिन ब दिन आटे की लेने में लगे हुए हैं लोग, आटे की लेन में लगे हुए हैं, चीनी की लेन में लगे हुए हैं, डाले की लेन में लगे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे वो गरीबों के लिए। जो भी आपदा आता आता है अपनी कुर्सी की खातर आता है, बोलता है मैं गरीबों को लिए सोने के इस मुल्क को चिड़िया बनाऊंगा, मैं सस्पाई करूंगा, ये कुछ भी नहीं करते हैं अपने कुर्सी के लिए, जो कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इनको, क्या शिकवा है आपको? इनको इनके लिए चाहिए, ये गरीब के लिए सोचें, वो गरीब के लिए कुछ करें। ये गरीब दर बदर मर रहा है, और अपनी नौकरियों के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और रोजगार तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। कोई अपनों से शिकवा? यही शिकवा है अपनों से, अपनी हुकूमत से यही शिकवा है। ये आटे का कुछ बुरान हो रहा है, नहीं सस्ता हो रहा है, गरीब दो टाइम की रोटी पेट भर के नहीं खा सकता है। कभी सालन होता है तो रोटी नहीं मिलती, और क्या करें, गोश्त के लिए आते हैं तो मसाले नहीं मिलते, सब्जियां कहां तक पहुंच गई हैं। अब दिन ब दिन 50 रुपए डालडा और किलो से बढ़ गया। लोग अपने हक के लिए सड़कों पे क्यों नहीं निकलते? इनकी इन आवाम को मेरी तरफ से गुजारिश है कि आपने हक के लिए इस आवाम को ये गुजारिश है, रोडों में निकले भाई, रोडों पे नहीं आएंगे तो ये नहीं होंगे, ये दबा कुर्सी जारी रहेगी। शुक्रिया।